चलिए अब सवाल नंबर पाँचवें का पहला हल करने जा रहे हैं हम नवनीत पेपर सॉल्यूशन का पेज नंबर 409 पे। सवाल नंबर पाँचवें का पहला है कि मसावात x प्लस वाई इक्वल टू 6 की तरसीम बनाइए जो x मेवर और y मेवर को बिलतर्दीनुकात a और b पर कता करती है। कता ए बी की लंबाई मालूम कीजिए और मुसलस जो ए ओ बी बनेगा उसका रकबा भी मालूम कीजिए, जबकि ओ जो है वो मुद्दे को जाहिर करता है ऐसा बोला गया है। अब हम क्या करेंगे इसकी बुनियाद पर जो मसावात है, सबसे पहले उसके लिए मुहद्दिद हमें चाहिए, तो मुहद्दिद के लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा ना, जदौल बनाना पड़ेगी एक छोटी सी। तो चलिए जदौल बनाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये x और ये y और ये उसके मुहद्दिद है ना, अपने से लेना है बिल्कुल, और ऐसा ये नहीं कि भाई जो सर ने लिया है बस वही तुमको लेना है, आप खुद से भी ले सकते हैं पॉइंट। मान लीजिए अगर मैंने x की वैल्यू ही 6 ले लिया, तो जब मैं यहाँ पर x की जगह पे 6 रखूँगा, x जमा वाई बराबर 6 है ना, तो 6 जमा वाई बराबर 6, तो y इधर रहेगा 6 माइनस 6 मतलब 0 हो जाएगा, वाई की मत तो यहाँ वाई 0 हो जाएगा, तो मौद्रिक क्या मिला 6,0 है ना। और अगर मैंने y की कीमत 3 ले x की कीमत मैंने 3 ले लिया है ना, तो x जमा वाई बराबर 6 है ना, तो यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा y बराबर 6 माइनस 3 मतलब 3 आएगा आंसर y की कीमत, तो ये यहाँ 3 रख देते हैं तो 3,3 मौद्रिक मिल गए 3,3 है ना। अब अगर मैंने x की कीमत ही 0 ले लिया तो क्या आ जाएगा, x की कीमत 0 रहेगी तो y बराबर 6 आ जाएगा है ना, जब x 6 था तो y 0 आया था, अब x 0 है तो y 6 आ जाएगा, तो 0,6 ये नुकात हमको मिल गए। देखिए इस तरह की जदौल आपको पहले बनाना पड़ेगी और आपको ये आपकी आंसर शीट में ये नज़र आना चाहिए कि वही बच्चे ने जदौल बनाया है, और इसकी मदद से ही आपको पॉइंट मतलब उसमें मुतसिम करने के तरसीम पर है ना। देखिए इस तरह की जदौल बन गई आपकी। अब इस जदौल को साथ में रखिए आप और इस तरह से दो जो मेवर है हमारे एक्स और वाई के इस तरह से लेकर पॉइंट इसमें मुर्तसिम कर लेना है। ये पॉइंट वन दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9 चलो 10 भी ले लेते हैं है ना। सेम ऐसे ही एक एक सम का फासला वाई मेवर पे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे पैमाना लिखना पड़ेगा, तो पैमाना क्या लिखेंगे हम, दोनों पर एक एक सम है, पैमाना एक सम दोनों मेवरों पर ऐसा लिख सकते हैं आप, या फिर एक सम बराबर एक्स मेवर एक सम बराबर वाई मेवर ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो पॉइंट लेते हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 6,0 यानी ये एक्स पे 6 और वाई पे 0 यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 6,0 पहला पॉइंट ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,3 यानी इधर आ गया है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, 0,6 0 एक्स पे और वाई पे 6 यानी ये। अब ये तीनों नुकात को हमें एक लाइन में लेना पड़ेगा, जल्दी से इसको ऐसे खींच लेंगे हम फटाक से ताकि एक सीधी लाइन बन जाए और हमें जो नुकात बोला गया सवाल में वो हमको मिल जाए। चलिए लाइन बना दी हमने, हमें सवाल में क्या बोला गया है कि पॉइंट ए और बी जो है वो एक्स और वाई होते, यानी पॉइंट ए अपना ये है और पॉइंट बी अपना ये है ना, और ये अपना ओ है। तो हमें बोलता है कि ए बी की लंबाई मालूम कीजिए, तो ए बी की लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, फासले का ज़ाब्ता नहीं लगाना है यहाँ पर, आप ज़रा ध्यान दीजिए ये जो मुसलस बन रहा है या कायमतुल ज़ाविया मुसलस बन रहा है ना। देखिए कायमतुल ज़ाविया मुसलस बन रहा है ना, तो ये कितना सम हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सम ये इतना हिस्सा हो गया पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः सम ये भी हो गया इतना पूरा। तो जिस कायमतुल ज़ाविया मुसलस में जब दो ज़िले दिए होते हैं तो तीसरा ज़िला हम फीसावरस के मसले से मालूम करते हैं, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर है ना फीसावरस का मसला लगाएंगे, तो थोड़ा सा देर के लिए ज़रा इसको साइड में करते हैं मुसलस को और यहाँ पर फीसावरस का मसला लगाते हैं। तो लिखेंगे मुसलस ए ओ बी में फीसावरस के मसले से,
तो फिजा वर्ष मसला कैसे लगाते हैं? 90 की निशानी सामने वाले को वितर कहते हैं। तो ए बी पहले आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाद में ओ ए का स्क्वायर जमा ओ बी का स्क्वायर, और दोनों की कीमत 6 है, 6 का स्क्वायर, तो 6 का मुरब्बा 36, और ये भी 6 का मुरब्बा 36, तो 36 कितना हो गया, 72 हो गया। ये चलता रहेगा ऐसे, ए बी स्क्वायर, ए बी पे से स्क्वायर हटेगा, ये जजर में जाएगा 72, तो ये क्या बन के बनेगा, 36 दूनी 72, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो 36 जो है वो 6 बन के बाहर निकल जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा, है ना। तो ए बी की कीमत कितनी आ गई, 6002 आ गई। हमें ए बी की कीमत मालूम करने के बाद और सवाल में ये भी कहता है कि मुसलस ए ओ बी का रकबा भी मालूम कीजिए, है ना। तो रकबा ही मालूम करना है अभी हमें, तो रकबा यही मालूम कर लेते हैं साइड में, ताकि एक पेज में हल हो जाए, आपको सबको नज़र आ जाए, है ना। चलिए टेबल वाला वीडियो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है बनिस्बत बोर्ड के, आप अपनी राय दीजिए कमेंट में। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना, 1/2 कायदा ज़रब इरतफा। तो कायदा क्या है यहाँ पर, शक्ल में जो कायदा है अपना ओ ए है ना, तो ओ ए, ओ ए या ए ओ ही है ना, और ओ बी इरतफा है, और दोनों की कीमत 6-6 है, तो कितना यहाँ 2 × 2 = 6, तो 3 × 6 = कितना होगा, 3×6 = 18 मुरब्बा सम, रकबा मालूम करें ना, तो मुरब्बा सम। तो इस तरह से ये हल मुकम्मल हुआ इस सवाल का, सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको नुकात लेने आना चाहिए। ये नुकात अगर आप खुद से जो भी पॉइंट लेंगे ना, वहीं से आपके अगर लाइन स्ट्रेट बनती है तो स्ट्रेट लाइन से आपको ए और बी मुख्तलिफ मिल जाएंगे। अगर आपने पॉइंट अगर आपके मुख्तलिफ होंगे तो ए और बी भी मुख्तलिफ होंगे, है ना। तो जब ए और बी मिलेंगे तो उनका फासला भी अलग अलग रहेगा, तो सबसे फिर ये ए बी कीमत भी अलग निकलेगी, और जब ए बी कीमत अलग निकलेगी तो मुसलस का रकबा भी थोड़ा सा अलग आएगा। तो इस तरह से ये सवाल है जो हल किया जाता है, सवाल नंबर 5 का पहला। ऐसे मज़ीद वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल और दुअम का पूरा सिलेबस मौजूद है, आप देख सकते हैं और फैज़ियाब हो सकते हैं। चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।